मेरे लोग बैठे हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन इस पर आपने इनके साथ सबको जो जिनने इसको मैनेज किया और इसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। खास करके शांति साहब ने जो भी है जम्मू स्टेट क्यों बननी चाहिए, क्यों बने, लेकिन हमारी कहानी तो दूसरी है जम्मू वालों की। इस कहानी को क्योंकि भी रिप्रेजेंटेशन उसमें जिस तरह जितनी पोजीशन गेन थी वो कश्मीर जम्मू एकता, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, जम्मू जिंदाबाद, हम सब एक हैं, जम्मू एकता जिंदाबाद। कुछ लेटेस्ट खबर है चाबी मुड़े अंदर जम्मू एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मुख्य जम्मू के मुद्दों को लेकर जो है सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। तमाम जो यहाँ उपस्थित नेता थे, मैं तहे दिल से सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुद्दे थे जम्मू कश्मीर को, सबसे पहले तो हम सब चाहते हैं जम्मू खिते के लोग भी, कश्मीर के लोग भी, के जम्मू कश्मीर को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके साथ हमारी मांग है कि धारा 371 के तहत हमें विशेष अधिकार दिए जाएँ। आज की जो बैठक के अंदर वो मुद्दे गूंजे हैं सबसे ज़्यादा, वो जम्मू के मुद्दे हैं। जैसे कि जम्मू के अंदर आपको पता है कि जम्मू चैनल को, दूरदर्शन चैनल को लगभग बंद कर दिया गया है। हमारी मांग है कि 24/7 वो चैनल का प्रसारण किया जाए। जम्मू के अंदर जो टोल मुक्त जम्मू बनाया जाए, यहां माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए सड़क मार्ग से सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री आते हैं, तो तीर्थ यात्रियों से जो है वो टोल किसी तरह का ना वसूल किया जाए। सरोवर टोल प्लाजा समेत तमाम टोल प्लाजा को, जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाई जाए इन टोल प्लाजा से। इसके साथ ही हमारा जो है दैनिक वेतन भोगी जो लगातार जो है डेली धरने कर रहे हैं, एक लंबा समय हो चुका है, उनको जो है जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। जम्मू के अंदर जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है डोगरी के साथ साथ, वो पंजाबी भाषा को जो है एक आधिकारिक दर्जा दिया जाए। इस तरह के कश्मीरी पंडित जो पिछले 35 सालों से जो है विस्थापिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी जल्द से जल्द जम्मू के अंदर उनकी जो है घर वापसी करवाई जाए। और POJK की मांगों पर भी जो है वो गौर किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर अभी हमारी मीटिंग जारी है। मीटिंग पर जो भी कंक्लूजन निकलता है, हम सब संकल्प ले रहे हैं कि इन मुद्दों पर जो है लगातार हम संघर्ष जारी रहेगा। ये खाली आज की मीटिंग नहीं है, मीटिंगों का दौर अब जारी रहेगा। जिस क्यों छीनी गई है स्टेट, यूनियन टेरिटरी की स्टेट्स बनती हैं, स्टेट की कभी यूनियन टेरिटरी बनते नहीं देखी है। और जब पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि स्टेट की यूनियन टेरिटरी क्यों बना दी आपने। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए और यहाँ चुनाव होने चाहिए। 5 सालों से चुनाव नहीं हुए। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से बैठकर जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। बाहर से बाबू लोगों के हवाले जम्मू कश्मीर के निज़ाम को किया हुआ है। वो बाबू लोग हैं UP से, बिहार से आए हुए हैं, उनको मालूम ही नहीं है यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है, यहाँ के कल्चर की जानकारी नहीं, यहाँ की ज्योग्राफी की जानकारी, उनका लोगों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं है। उनके हवाले जम्मू कश्मीर को आपने किया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोग सफ़र कर रहे हैं और ऐसे माहौल में एक जिम्मेदारी बनती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि वो इकट्ठा होकर आवाज़ बुलंद करें, एक प्लेटफॉर्म से भी आवाज़ बुलंद कर सकें, ताकि अंधी और बहरी सरकार के कानों तक ये बात पहुंच सके कि लोगों किस कदर लगातार समस्याएँ जो हैं वो उनसे दो चार हो रहे हैं और उनका कोई ना कोई समाधान हो सके।